बबुआ तुम बताती नहीं हो कब बबुआ आएगा। बबुआ बबुनी जब भी आए, कब आएगा, कब आएगी? एकदम नीचे हो गया, लास्ट जनवरी तक हो जाएगा। उन्होंने ये वर्ड बोला था डॉक्टर ने कि लास्ट जनवरी तक, जो नर्स थी बाकी सब लोग थे बोलते लास्ट जनवरी तक हो जाएगा आपको। तो कुछ नहीं, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। गाइस वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टो जायसवाल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। सचिन मनीषा चले गए, और जब कोई रहता है ना तो बड़ी कनेक्टिविटी उससे हो जाती है, बड़ा आदमी कनेक्ट हो जाता है उससे। और मेरा सचिन भाई का तो अलग ही, मतलब क्या है, दिल हम क्या बताएं, दिल से दिल मिल चुका है एकदम। तो सचिन भाई चले गए, मनीषा जी चली गई, तो थोड़ा सा सैड सा हुआ। और मैंने वीडियो शूट किया था उनके जाने का, मैंने वीडियो भी मेरे से डिलीट हो गया क्योंकि मेरा मेमोरी फुल हो गया था, मैंने कुछ और हटाने के चक्कर में सब वीडियो ब्लॉग डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, फिर से नए ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वाला ब्लॉग आप सब लोग को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, खूब ढेर सारा प्यार स्नेह देते रहिएगा। और किट्टो लेटी हुई है, और मुझे आज थोड़ा सा किचन का सेटअप करना है, क्योंकि और पूरे घर का भी, क्योंकि जब से हम लोग शिफ्ट हुए ना, हम लोग जब शिफ्ट हुए थे तो हम लोग सही से घर पे पूरा सामान नहीं रखे थे। उस टाइम अचानक से फटाफट चीजें रख दिए थे, तो सारी चीजें आज सेट करेंगे। ये बेड के अंदर की चीजें निकाल करके सेट करेंगे, कमरे के अंदर चीजें, अलमीरा के अंदर चीजें निकाल के सेट करेंगे। तो चले चलते हैं, एक एक करके चीजें स्टार्ट करते हैं सेटअप करने की। आज सोच रहा हूँ किचन का सारा कुछ सामान निकाल करके, क्योंकि नीचे ना बहुत गंदगी सी हो रही है, वो सारा कुछ निकालना पड़ेगा और सारा कुछ साफ भी करना पड़ेगा अच्छे से। ये क्या रुका हुआ है, कपड़े क्यों रुके पड़े हैं किट्टू? सही से चलाई नहीं होगी, तो किचन की साफ सफाई कर लेते। अरे बाप रे, किचन की साफ सफाई कर लेते हैं पहले। ये हमारा वॉशिंग मशीन चल रहा है, और धूप अच्छी निकली लेकिन हवा चल रही थोड़ी, हवा ठंड कर दे रही। गाइस लोग इसको निकालेंगे इस बर्तन सारा बाहर, और इसके अंदर जो भी है ना गंदा देख रहे हो आप लोग, इसको करेंगे साफ सफाई आज। ये मैं सोच रहा था, और इसमें लेके आया था मैं चीजें लगाने के लिए, इसको लगा देता हूँ। ये मैट लेके आऊ, मैट बिछाऊंगा नीचे। मैंने किचन वगैरह सारा कुछ साफ कर दिया, उसका चाय भी मैंने बना दिया है, और किट्टो को दे दिया मैंने चाय पीने के लिए, और गुगरी भी बना दिया था, खा रही किट्टो। किट्टो यहाँ अपनी ज्वेलरी पूरी सेट कर रही है, हम लोग बॉक्स लेकर के आते हैं, इसमें सही रहेगा ना, फंस गया है उसको मन करके फेंक, ऐसे रख दो, क्यों फेंक रही हो पूरी किट्टो? बनाए हो क्या? खा तो रही हो ना? बनाए हम है तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा देखो, आज पूरा घर साफ किया हम लोगों ने गाइस, अभी पूरा सामान फैला इसको सेट कर रहे हैं। इधर पूरे देखो इतना कचरा निकला है, उन्हें बोला तो अब तक चाय पी लेते हैं फिर मिलते कुछ देर के बाद। तो किट्टो रानी क्या बना रही हो, क्या बना रही हो? साबूदाने की गोभी बन रही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो गाइस अभी हम लोगों ने चाय नाश्ता पानी किया है, और अब बन रहा है साबूदाने की गोभी। बज चुके हैं रात के 8, और अब बन रहा है साबुदाने की घुघरी। क्या चाहिए? इस शाम का टाइम और नाश्ता बन चुका है, साबुदाने खिचड़ी। आज हम सब लोग साबुदाने खिचड़ी खाएंगे, और भंडारे में मिला था हलवा, हलवा खाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा लगा था, ठीक नहीं है ना, चलो खा लो। क्या कर रही किट्टो? बाप रे थक गए, मम्मी अभी मूवी देख रही है सूर्यवंशम, पता है आज स्टार मैक्स कौन सा आता है।
सिटमैक्स पे। तू दीवाना है, पागल है, मैंनी माना। कब आएगा बबुआ? तुम बताती नहीं हो कब बबुआ आएगा। बबुआ बबुनी जब भी आए, कब आएगा? देख कब आएगी। एकदम नीचे हो गया यहाँ से। कल मूवी देखने थी, कितना कर रहा था ना, किक मार रहा था। मूवी देखने लोग कमेंट कर रहे थे, इसके लिए आप बता दो पहले। मैं मूवी देखने नहीं जा रही थी, मैं नहीं जा रही थी। मैं आप लोग देखे होंगे मैं बिल्कुल पागलों की तरह गई थी। मैं बाल झाड़ी थी ना कुछ की थी, ऐसे ही लेटी थी, मैं सो गई थी। ये लोग बोले चलो चलो जल्दी से कि तुम अकेले क्या करोगी, क्योंकि मम्मी लोग का सबका लोगों का टिकट वगैरह कट गया था। तो बोले तुम क्या करोगी, चलो चलो चलो। मैं अब बताओ, नहीं लोग बोलेंगे तू झूठ बोल रही है। मैं बताता हूँ, कल हुआ यूँ था कि हम लोग दिन भर घर में बैठे थे। शाम को सचिन भाई का ही प्लान बना कि मूवी देखने चलते हैं, तो किट्टो ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी मूवी देखने के लिए। एक्चुअली मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि जो PVR है वो हम जहाँ पे नया हमने फ्लैट लिया वहाँ से जस्ट बगल में, वॉकिंग डिस्टेंस पे। लेकिन सचिन भाई गाड़ी से गए थे, क्योंकि सब लोग गाड़ी से लेके गए थे क्योंकि पैदल ना चलना पड़े। बस ये समझ लो रोड क्रॉस करते ही PVR है हमारे घर से, मतलब मेरे ख्याल से 500 मीटर ही होगा ना किट्टो, बस वॉकिंग डिस्टेंस। काफ़ी बिल्कुल दूर हम लोग नहीं गए थे। और दूसरा गए किट्टो बोल रहे थे मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगी, और सबका मन था। एक बार की हमने सोचा कि मम्मी लोग को नहीं बोलते, लेकिन किट्टो ने बोला तुम लोग मूवी देखने जाओगे मम्मी को नहीं बोलोगे। तो मम्मी सोचे, मम्मी बोली हाँ चलेंगे, मम्मी ने मना भी नहीं किया, और टिकट बुक हो गया। फिर किट्टो का भी उसमें टिकट बुक है, इसको ये मना कर, लास्ट में जब जाती थी बोली मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अब हम लोग ये बोले भाई सबका टिकट हो गया है, अगर तुमको छोड़ते भी हैं, तुमको छोड़ते भी हैं तो घर में कोई रहेगा नहीं तुमको। फिर रात में हम लोग 12 बजे मूवी छोड़ती, इसलिए फिर लेकर के गए। और बिल्कुल कंफर्टेबल था, PVR की सीट बिल्कुल कंफर्टेबल होती है, आप लोग जानते हो, बिल्कुल पीछे बेंड कर जाती है, एकदम पीछे तक चली जाती है, तो आराम था। और बेबी भी हमारा खूब फाइट कर रहा था मूवी में, जब साउंड चलता है ना तो बेबी थोड़ा सा ज़्यादा जंप मारता है। तो चलिए दोस्तों, बातें ज़्यादा न करते हुए मैं आपको बता देती हूँ। बातें ज़्यादा क्या बता देती हो? आज मैं आप लोगों को सच्चाई बताती हूँ, बहुत बड़ी सच्चाई, जिससे आप जैसे बहुत बड़ा खुलासा कर रही हो, सस्पेंस में ऐसा बताती है। नहीं, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, दीदी आपकी डिलीवरी कब है, बाबू कब आएगा, बाबू कब आएगा, बाबू कब आएगा। और डिलीवरी डेट तो देखो, जब आप फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है तो ही डिलीवरी डेट उस टाइम आ जाता है, और डिलीवरी डेट आ जाता है, लेकिन कंफर्म नहीं रहता कि, क्योंकि डिलीवरी डेट ना लास्ट आते आते आगे पीछे भी हो जाता है, मतलब पीछे तो नहीं होता लेकिन आगे ही हो जाता है। और बहुत सारे लोग का तो 9वां महीना छूते ही हो जाता है, बहुत सारे लोग का 9वां महीना होने के 10-15 दिन बाद हो जाता है, लेकिन किट्टो का अभी आप बताइए किट्टो। तो मेरा आज 9 महीना के 9 महीना कितने दिन, आज 28 है 9, 20 दिन हो गया है, मतलब 9वां छूते 20 दिन हुआ है। 9 तारीख आएगा तो मेरा पूरा 9 भी कंप्लीट हो जाएगा, 10वां लग जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला है कि आपका जो डेट है बेबी होने का वो 16 फरवरी को है, लेकिन हम जब भी वहाँ पे गए थे तो बोली थी कि आपको लास्ट जनवरी तक हो जाएगा। उन्होंने ये वर्ड बोला था डॉक्टर ने कि लास्ट जनवरी तक, जो नर्स थी बाकी सब लोग थे बोलते थे लास्ट जनवरी तक हो जाएगा आपको। तो फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसके बाद मैं डॉक्टर से इस बार जब गई थी मैं बोली डॉक्टर अभी तो लास्ट महीना भी खत्म होने वाला है, अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा मतलब वो वाला दर्द नहीं हो, मतलब कि हल्का फुल्का जो दर्द होता है वो तो दर्द होता है, तो मुझे बेबी की कहीं ऐसे हल्के वाले दर्द में बेबी नहीं होता है, वो तो दर्द बहुत खतरनाक होता है, तो बर्दाश्त करने के बाद होता है। तो मैं बोली हमको तो वो कुछ फील ही नहीं हो रहा है ऐसा वैसा, करें कोई नहीं अभी टाइम है 16। हम क्या जो डेट दे दिया क्या उसी डेट को होगा क्या? बोले कि ऐसा भी होता है, और एक लास्ट जैसे कि फर्स्ट लास्ट मंथ में जनवरी के लास्ट मंथ लास्ट डेट पे भी हो सकता है, फरवरी के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, तो इसमें कुछ भी कहा नहीं जैसा, लेकिन इसका जो डेट है वो 16 फरवरी को है, डेट बच्चा होने का डेट जो है मेरा है वो 16 फरवरी को है। और बस दुआ करते हैं कि देखते हैं कब होता है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मल करने की कोशिश करो नॉर्मल, क्योंकि आप एकल में गई थी जब मंदिर में, बहुत सारी लेडीज थी बोली थी कि बटरफ्लाई वाला एक्सरसाइज करो, सीढ़ी पर ऊपर चढ़ो। इनका अनुज भी फोन किया था ना, मैंने मैसेज किया था, देखो मेरे से बोला नहीं जा रहा, नहीं बोल पाएंगे। अभी हमारे गाँव में मेरे घर के बगल क्या ही है, अनुज उसकी वाइफ को नॉर्मल डिलीवरी हुई है,
उसका मैसेज आया था कि आपको ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करवाओ, सीढ़ियाँ चढ़वाओ, बटरफ्लाई करवाओ, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा होते हैं। तो मैंने किट्टो को बोला भी, किट्टो का एक्चुअली क्या ना बहुत हैवी हो गया है, जो उसका टमी है ना बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल केसेस में इतना नहीं होता, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा ही निकल गया है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन मैंने तभी पर बोला नहीं, तुम कोशिश करो, प्रयास करो और कोशिश करो कि तुम्हारा हो। 3 किलो 500 ग्राम का बच्चा हुआ है, 3 किलो से ऊपर का बच्चा हुआ है। और हमारे बेबी का वेट था 2 किलो 600 ग्राम ना, कितना 800, 2 किलो 800 ग्राम हमारे बेबी का वेट है। और अभी तो बढ़ गया होगा, वैसे मंगलवार को फिर जाएंगे डॉक्टर के, वो जो इंटरनल चेक करें। तो हो सकता है कि भाई इसी मतलब नेक्स्ट वीक में ही किट्टो की डिलीवरी हो जाए, बिल्कुल पास है, एकदम पास है। और बस कुछ दिनों के बाद मैं पापा ही मम्मी बन जाएंगे। देखो मेरा इधर देख, किट्टो देख, चमक चमक अलग ही आ गया चेहरे पे। मैं देख रही थी उनको ना, कसम से ना अंदर से मुझे पता नहीं क्यों बहुत रोना सा आ रहा था। मतलब किसी को देखते है ना जब बेबी होता है, तो जब जो मतलब कि प्रेयर करते हैं लोग देखते हैं, बाहर ही रहते हैं सारी फैमिली लोग, अंदर वो मतलब कि जिसको होता है वो अंदर रहती है, दौर से पीड़ित रहती है, बाकी सब लोग भगवान के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि भगवान जच्चा और बच्चा दोनों सही हो, दोनों सही हो। तो कुछ नहीं, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, है सब नॉर्मल हो जाएगा, टेंशन मत लो। पागल नहीं तो रोना किस बात का, इस तुमको तो हंसना चाहिए यार, तुम दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है तुम्हें और हमें, तो रोना किस बात का किट्टो। सो गाइस इसको शांत कराना पड़ेगा। नहीं, यार क्या सोचती तुम बहुत ज्यादा हो, नहीं जैसे कि बच्चा होता है तो बहुत सारे ऐसे केस भी होते हैं ना, क्या सोच के जाते हैं क्या हो जाता है। भगवान के सबके साथ अच्छा ही हो और मेरे साथ भी अच्छा हो, बस मोमेंट तो अजीब ही होता होगा। आज मैं देख रही थी, मुझे अंदर से बहुत अंदर से रोना आ रहा था उनका देख करके। ज़्यादा मत हो, नहीं मैं भी इमोशनल हो जाऊँगा। तो गाइज किट्टो ने बता दिया कि डिलीवरी डेट कब की है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप सब लोगों का। इस वाले ब्लॉग को एंड करता हूँ। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और चैनल सब्सक्राइब करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा बेबी आने से पहले हमसे कनेक्ट हो पाएँ, आप सब लोग देख पाएँ हमें और प्यार दे पाएँ, स्नेह दे पाएँ। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, गुड नाइट।